भाई टैक्सी अभी यहाँ पे स्नैप अली कर ली है, ये भाई साहब हैं और हम जा रहे हैं जिसको गुलिस्तान पैलेस भी कहते हैं और फारसी में उसको काखे गुलिस्तान कहते हैं। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, ये बस करीब ही है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर होगा, तो देखते हैं वहाँ जाके। अभी तो गाइस मैं ये अंदर आ गया हूँ एंट्री करके, तो ये है जी गुलिस्तान पैलेस। इसकी एंट्री बहुत महंगी है, हकीकत में इसकी एंट्री पाकिस्तानी 600 रुपए की सिर्फ एंट्री है। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ जो एंट्री है ये 600 रुपए की है, और अंदर जो गुलिस्तान पैलेस के जो अंदर जो एरिया हैं वो भी मुख्तलिफ़ पार्ट में इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो इससे भी ज़्यादा महंगे हैं भाई। 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार का टिकट है भाई, बहुत महंगा है। ये तो आपको दिखाते चले ना, यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत है भाई, और लोग तो इतने ख़ास नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, रोमांटिक जगह है भाई। इधर एरिया तो काफ़ी बड़ा है भाई, बहुत बड़ा एरिया है काफ़ी, और इनकी आर्किटेक्चरिंग तो कमाल की है भाई, वो तो देखने के काबिल है। ये आप देख सकते हैं पूरा जो है ना, ये पैलेस का एरिया है काखे गुलिस्तान इसको कहते हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत है भाई। फॉरनर तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ एक मैं ही फॉरनर हूँ यहाँ पे, दो शेर भाई भी खड़े हुए हैं और स्पेशली गर्मियों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि
ये चलते चलते यहाँ पे भी ये एक सलामत जो है ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, इनके हाथ में तलवार भी है, ये मार्बल से बनाया गया है, बड़े जबरदस्त किस्म की इस पर कशीदाकारी की गई है जो हैंडीक्राफ्ट। ये आप देखें ये बादशाह सलामत, ये किसी दौर में बादशाह हुआ करते थे यहाँ पे, पर्शियन एम्पायर की आर्किटेक्चर है, बहुत ही कमाल किया जनाब। ये है कि यहाँ पे टिकट जो है वो थोड़ा महंगा है, टिकट थोड़ा सस्ता होना चाहिए, पाकिस्तानी 100 या 200 रुपए होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जगह तो खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ज़बरदस्त उस ज़माने की जो है डिज़ाइनिंग जो है आर्किटेक्चरिंग, ये तो देखने के काबिल है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत खूब, बहुत आला और काफ़ी नफासत से जो है ये डिज़ाइनिंग की गई है, कमाल की है भाई, कमाल की। फिर वहीं पे आ गए, आप देख सकते हैं ये वहाँ पे गेट है और शेर साहब भी हमें घूर रहे हैं। तो गाइस ये था जी गुलिस्तान पैलेस और बहुत ही बड़ा भाई, बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी जो है बड़ा और बहुत खूबसूरत भी है काफ़ी, लेकिन इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी वजह से इन्होंने टिकट बहुत ही महंगा रखा हुआ है भाई, इतना महंगा टिकट। और हर अंदर प्लेस जो है मुख्तलिफ पार्ट बने हुए हैं, उनमें जाने के लिए उनका अलग टिकट है, या तो एक ही टिकट होना चाहिए तो, या फिर ये है कि टिकट कम होने चाहिए। तो ये पीछे देखें, ये आपको यहाँ पे वाटर फाउंटेन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो फुवारे लगी हुई हैं काफ़ी यहाँ पे, और काफ़ी भाई खूबसूरत है, और साथ ही ये पार्क भी बना हुआ है काफ़ी बड़ा। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, एक तो मुझे काफ़ी लोकल लोग नज़र आए जो ईरान के हैं, जो यहीं के लोकल लोग हैं, वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो देखने के लिए आए हुए हैं और पैलेस देखने के लिए। और दूसरा ये है कि दूसरे नंबर पे मुझे चाइनीज़ काफ़ी नज़र आए, थोड़े भी नहीं काफ़ी नज़र आए यहाँ पे चाइनीज़, तो इस चीज़ से मैं काफ़ी हैरान हुआ कि चाइनीज़ भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं ईरान को विज़िट करने के लिए। और अगर बात की जाए पाकिस्तानी की, तो मैं एक ही पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद था, ये बड़ी हैरान कन बात है कि मैं एक ही पाकिस्तानी था यहाँ पर। अभी निकलने का टाइम आ गया, यहाँ से अभी जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, तो टिकट भी लेना होगा क्योंकि मैंने कौम वापस जाना है, तो इस वजह से मुझे अभी यहाँ से जाना होगा रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ से स्नैप मारेंगे, स्नैप लगा के टैक्सी लेंगे क्योंकि वो थोड़ी चीप पड़ती है, दूसरी टैक्सी तो बहुत महंगी है भाई। तो चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये था जी गुलिस्तान पैलेस, देख लिया आपने, ये गुलिस्तान पैलेस है भाई, काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी रौनक बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का और काफ़ी ज़बरदस्त आउटिंग की जगह है भाई, और बहुत खूबसूरत भाई, पर्शियन एम्पायर का ये काफ़ी जीता जागता डिज़ाइन और इनकी आर्किटेक्चरिंग बहुत कमाल की है भाई। ये बादशाहियत के दौर में यहाँ पे 15वीं-16वीं सदी में ये बनाया गया था, तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, काफ़ी इसकी जो डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चरिंग है वो कमाल की है। तो चलिए अब चलते हैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ से निकल के रेलवे स्टेशन भी जाना है और वहाँ से टिकट भी परचेज़ करनी है, और टाइम भी काफ़ी हो गया है,
क्योंकि टाइम जो है अभी 2 हो गए हैं यहाँ के और यहाँ से अभी जाना होगा मुझे। तो भाई गुलिस्तान पैलेस से बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे बाहर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये वाटर फाउंटेन, ये देखें ये चल रहा है यहाँ पे फवारा सा, बहुत क्लीन एंड नीट किस्म का जो है पानी है इसमें, काफ़ी साफ शफाफ पानी है और बहुत ही खूबसूरत ये माहौल बना हुआ है। और वो पीछे जो है वो सीधे पीछे चले जाएं तो वो सामने एंट्रेंस है उसकी, गुलिस्तान पैलेस की, काफ़ी ये गुलिस्तान पैलेस की पीछे एंट्रेंस है, वहाँ से गेट से आप एंटर होंगे। देखिए पीछे ये रास्ता आ रहा है, यहाँ से आपने आना होगा। पीछे पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से, वो उन पे बर्फ़ पड़ी हुई है और ठंडी हवा चल रही है यहाँ। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खूबसूरत था भाई, बहुत मज़ा आया। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। भाई स्नैप लगा के जो है ये अभी टैक्सी जो है वो कर ली है रेलवे स्टेशन के लिए ये भाई साहब हैं और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं ये।